हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं जवान हिंदी प्रीव्यू ट्रेलर। अच्छा, ये नया प्रीव्यू का मैं पहले भी पूछ रही थी। है प्रीव्यू ये सभी यही लगा रहे हैं कोई नया जिन्होंने निकाला उन्होंने जानबूझ के इस तरह से बनाया वो स्पेलिंग। दैट इज नॉट राइट इंग्लिश जहां तक मुझे पता है। मुझे भी मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ प्रीव्यू PREVIEW। हाँ, तो वही अभी VUE क्यों कर दिया? ये अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ही वो दिखाने की कर रहे हैं। जैसे कई लोग अपने नामों को चेंज करके वो स्पेल कुछ और ही कर देते ना। अब मुझे याद नहीं आ रहे कई ऐसे नाम थे जिन्होंने चेंज किए हैं। जैसे आमिर खान, मेरे ख्याल से पहले आमिर का AMIR होता था, अब AAMIR कर दिया आमिर खान ने। कई लोगों ने ऐसे नामों को स्पेलिंग की हुई है, क्या उसी वजह से? ये भी वही तरीका है क्या? कोई नया निकला हुआ बताना जरूर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। शुरू करते हैं। शाहरुख खान की नेक्स्ट पिक्चर जवान का टीजर ट्रेलर प्रीव्यू आ चुका है। प्रीव्यू क्या होता है? ट्रेलर का ही एक और फैंसी नाम। बोलने के लिए इसको कुछ भी बुला सकते हैं, लेकिन जो दिखाया है उसका फर्स्ट रिएक्शन ऐसा था कि क्या है ये। तुम में से वो लोग जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है पिक्चर के बारे में वो तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे कि चल क्या रहा है। और पहली बार देखते वक्त मैं भी ये सोच रहा था कि कहीं 1.25x स्पीड में तो नहीं दिख रहा, थोड़ा फास्ट लग रहा है, क्योंकि इस प्रीव्यू में कट्स इतने छोटे छोटे मार दिए ना कि अगर तुम ब्लिंक कर दोगे तो कुछ मिस हो जाएगा। फिर भी ओवरऑल ये टीजर प्रीव्यू एक पॉजिटिव इंप्रेशन ही छोड़ देता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही है और इतने सारे शॉट्स अपने को पिक्चर के दिखा दिए, फिर भी क्लियर नहीं कि पिक्चर किस बारे में होने वाली है। लेकिन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है कि शाहरुख खान में भी एक एंटी हीरो प्ले करेंगे इसमें। सबसे बड़ा ऑब्वियस रीजन तो डायलॉग है कि जब मैं विलन बनता हूँ तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं पाता। भाई को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन शाहरुख खान का जो कैरेक्टर होने वाला है उसके बारे में ये चीज क्लियर होने के बाद भी बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लुक्स दिखा दिए उनके। एक टाइम पे लग रहा है कि वो पुलिस वाले हैं, एक टाइम पे लग रहा है कि मिलिट्री वाले हैं। आधा वाला जो मास्क पहना उसको देखकर पहले तो क्रिश की याद आ गई। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कॉपी किया, लेकिन याद जरूर आ गई। फिर किसी ने पॉइंट किया कि भाई ये तो अपरिचित जैसा दिख रहा है, एंड नाउ मैं अनसी नहीं कर सकता उसको। काफी सारे रूमर्स ऐसे भी चल रहे थे कि मे बी शाहरुख खान बॉल्ड होंगे पिक्चर के अंदर, जिसको कंफर्म कर दिया। और वो बॉल्ड वाला लुक इज डेफिनेटली समथिंग। यहाँ पे टैटू में कुछ तो लिखा है, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा एकदम 4K में देखने के बाद भी, लेकिन माँ बाप की दुआ हो सकता है क्या? नहीं, मैं खुद अपनी बात को रिजेक्ट करता हूँ। अभी लगे चीजें खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनका एक और लुक दिखा जिसके अंदर वो पूरे ही कवर्ड है एकदम विजिलेंट सुपर हीरो की तरह। आधा मास होगा, फिर शायद कुछ इंजरी होने के बाद पट्टी बांध ली, फिर उसके बाद और कुछ गलत हो गया तो फिर पूरी बॉडी पट्टी में। लेकिन एक चीज जो कि तुमको शायद नहीं पता होगी कि इस पिक्चर के अंदर उनका डबल रोल होने वाला है, एकदम ऐसा 100% कंफर्म नहीं, लेकिन और इस प्रीव्यू से एक और आइडिया मिल रहा है कि शायद किसी एक हाइस्ट के ऊपर हो सकती है। रॉकेट साइंस नहीं लगा हाईजैक कर ली, बस उम्मीद करते हैं कि वो दिल्ली वाली ना हो, पहले से ही उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एक रोल जो शाहरुख खान का है वो रियली में एंटी हीरो हो, गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर कोई एक ड्रग डीलर क्रिमिनल है उसके अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है। ऑब्वियस सा डायलॉग है ना कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पुण्य हूँ या पाप हूँ, तुम खुद से पूछना, ऑडियंस के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी, क्योंकि वो भी हम ही है। मतलब ऐसा उनका कहना है कि मैं भी आप ही हूँ। तो एक वो कॉमन मैन जस्टिस वाली जो बात है, सोसाइटी के अंदर कुछ बुरे लोग हैं जिनसे लड़ने के लिए वो भी थोड़ा बहुत बुरा काम करता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिखा है अ मैन सेट टू रेक्टिफाई द रॉन्ग्स इन सोसाइटी। तो हाँ, सोसाइटी को आईना दिखाने के लिए वो कुछ बुरी चीजें जरूर करेगा, लेकिन वो देखकर तुमको और हमको मजा आएगा बिकॉज इट लुक्स डैम कूल। लेकिन SRK के अलावा बाकी कास्ट नयनतारा जो कि पुलिस ऑफिसर होंगी, विजय सेतुपति मेन विलन, ऐसे रूमर्स है, दीपिका पादुकोण का स्पेशल अपीयरेंस होगा ऐसा बोला जा रहा है, जो कि पंजाब में हुई थी, जो कि इतना नकली लग रहा है, क्या गंदा सीन था ये, पंजाबी है ना। मूवी का प्रीव्यू था तो स्टोरी के बारे में ज्यादा नहीं बताया, बट टेंशन मतलब अभी 2 महीने पिक्चर को रिलीज होने में, मतलब एक और ट्रेलर निकालेंगे या फिर उसके लिए भी कोई नया वर्ड, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उस वाले में ना स्टोरी के बारे में और हिंट मिल जाएगी। बट एक चीज जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, यूजुअली ट्रेलर्स को 1080p में डालकर छोड़ देते हैं, कोई बहुत ज्यादा एफर्ट मारा तो 4K में दिखता है, ये अपने को 4K HDR में दिखा, जिसको मैंने अपने HDR डिस्प्ले में देखा तो भाई क्या दिख रहा है, जो शॉट्स अच्छे दिख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, बस मेरा पास वाला थिएटर सपोर्ट कर दे। अगली चीज जो कि और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी कि टीजर प्रीव्यू के एकदम एंड में जो गाना गाया जा रहा है, बेकरार करके हमको यू ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, ये विलन या फिर पुलिस वाले जो उस टाइम पे पकड़ने आए हैं उनके पीछे आग लगाने के लिए तो नहीं बोला जा रहा, हो सकता है। लेकिन इससे आइडिया मिलता है कि जो टकला कैरेक्टर होने वाला है शाहरुख खान का, वो काफी प्लेफुल होगा, पैसेंजर्स जिनको हॉस्टेज बनाया उनकी नकली डर लग रहा है यहाँ पे।
उन्होंने प्रीव्यू देखने के बाद भी वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आया कि भैया स्टोरी क्या है, सब अपना दिमाग लगा रहे हैं। नहीं पर ये भी अच्छा, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था प्रीव्यू क्या है, तो ये कह रहे हैं इन्होंने अपना ही कोई वर्ड बना दिया, ऐसे लग रहा है कहीं अब ट्रेलर के लिए भी अपना ही कोई वर्ड ना बना दे। ये अच्छी बात है यार, कुछ भी बना दो अपने ही वर्ड जो डिक्शनरी में कहीं नहीं है। कई लोगों को अच्छी लगेगी, कई लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे लगाने के लिए, दैट्स हाउ इट इज। क्योंकि फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, दैट इज फाइन, बट लाइक फैन फॉलोइंग, सम पीपल विल लाइक सम पीपल विल नॉट लाइक, डिपेंड करता है हर एक का कैसा कॉन्टेक्स्ट है। और अगर हम किसी चीज को बोल रहे हैं कि हमें पसंद नहीं आ रही, देन आप लोगों को जिनको पसंद आ रही है इट इज ओके, आप देखो ना। पर उसके लिए पर्सनल अटैक करना मुझे समझ नहीं आता। तो रिव्यू चेंज नहीं कर सकते, हम तो नहीं चेंज करेंगे ना, हमें नहीं पसंद आ रही, हमें नहीं आ रही। हर एक बंदा अपना कॉन्टेक्स्ट है, हर एक अपनी जिंदगी है, हर एक अपने तरीके से जिया है, हर एक ने अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई किया है, एनवायरमेंट अलग है, सोच अलग है, पसंद अलग है। तो और ये भी बोलना गलत होगा आपका कि भैया आपको ऐसा और कैसे कोई शाहरुख खान की वजह से कोई प्रॉब्लम है इसलिए आप उनकी उसकी मूवियों को गंदा बोलते हो। तो लेट मी टेल यू ऑल जो इस टाइप की बातें करते हैं कि मैंने शाहरुख खान की बहुत ऐसी मूवीज देखी हैं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं। चक दे इंडिया एक वो एग्जांपल है, दिल तो पागल है पता नहीं कितनी बारी हमने मैंने देखी हुई है, और साथ में उसके तो मेरे पास इन मूवियों के इतने जो अच्छी थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और भी कई मैंने बताई स्वदेश, तो वो अच्छी मूवीज हैं, उनको हमने पसंद किया, उनके तो मेरे पास कसेट जब उस टाइम में कसेट्स होते थे गानों के वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये बोलना कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मूवी का ट्रेलर या मूवी को देख के हमें जो अच्छा लगेगा वो हम बोलेंगे। बिना किसी एफर्ट के, बिना मेहनत करे अगर अच्छी लगती है तो वेरी नाइस, जबरदस्ती जबरदस्ती अच्छी लगने वाली बात गड़बड़ है। हजार बंदा अच्छा बोल रहा है उसे आप हिप्नोटाइज होके बोल दें अच्छी है तो वो हम हॉलीवुड हमारे साथ नहीं होता है, इंडिपेंडेंट थॉट है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। बिल्कुल, जब अच्छी लगी थी जो हमने मूवी में तुरंत बोला था इट इज ब्यूटीफुल, मजा आ गया, जरूर देखेंगे। ये तो जिसमें बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, मैं तो बोलता हूँ भैया एफर्ट करना पड़ रहा है, आपको अच्छी लग रही है गो एंजॉय मजे करो। एग्जैक्टली, और हम तो हॉलीवुड मूवीज भी कितनी सारी होती है जो बोलते हैं क्या बकवास देख के आ गए, क्या ऋषि बकवास दिखा दी है तूने, और यहाँ ट्रेलर भी देख के वो ऋषि कहता है अच्छा ये देखने नहीं है बकवास है भैया हम तो नहीं देख सकते हैं, अगर तुमने देखने तो तुम देख लो। तो वो तो है भाई, उसके लिए पर्सनल होके अपनी अपनी मतलब बोलने के तरीका जो कईयों का होता है उससे कई बार लगता है फिर गुस्से में ये लगता है कि भाई अगर आपकी चॉइस ऐसी मूवीज है और आप इस तरह से बोल रहे हो तो थैंक गॉड हमें ये मूवी पसंद नहीं आई। मैंने कई कमेंट्स ऐसे लिखे हैं क्या करूं मैं कि वो दे आर क्रॉसिंग द लाइंस, मतलब जैसे मैं अब पूछूंगी कि क्या ये फिल्म एक्टर्स जो हैं चाहे आप उनके फैन हो क्या वो कल को आपको कुछ देंगे, जो आप इतना मतलब इतना डाउन चले जाते हो कि आप किसी जिसने कहा कि मुझे पसंद नहीं आई तो आप अपना लेवल डाउन करके उससे बात कर रहे हो, कल को आपको कभी कुछ जरूरत होगी क्या ये आपका जिसके लिए आप इतनी लो लेवल पे जा रहे हो वो हेल्प करेगा आपको? लोगों ने He doesn't even care आप हो कौन। वही तो, बहुत सारे एंकर्स यही बोलते हैं कि अरे वो आप कहेंगे तुम कौन हो यार, तुमको देखेंगे भी नहीं वो, वो कहेंगे मैं कहां अमीर तुम क्या, ये समझने की जरूरत है आप लोगों को। हीरो को ये भी नहीं पता कि वेदर यू एग्जिस्ट या नॉट। एग्जैक्टली, तो ये समझने की जरूरत है आपको, और हर मूवी को ब्लाइंडली देखना नहीं चाहिए, उसमें देखना चाहिए कहीं अंदर ऐसा कोई मैसेज तो नहीं है जो वो अपना कुछ कर रहा है। क्योंकि मैं आपको कई बार बोला, मैंने कहा पठान मुझे पसंद नहीं आई, और मैंने कहा क्यों नहीं पसंद आई क्योंकि वो प्रो पाकिस्तान थी, अगर वो आपको दिखा नहीं तो भैया मैं क्या बोलूं। राइट, इंडिपेंडेंट थॉट होना चाहिए, कॉन्टेम्पलेट करके सोच के जो लगे दैट्स इट। एग्जैक्टली, और आपकी पसंद आपके वेल एंड गुड, हमको ये थोड़ा आपकी पसंद को हमने हमें इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, अगर किसी को पसंद है ब्यूटीफुल जाओ देखो, हमें नहीं अभी हमें इस टीजर के वजह से हमें नहीं पसंद आ रही तो नहीं पसंद आ रही, हो सकता है ट्रेलर के बाद पसंद आ जाए, कुछ समझ में आए और कुछ लगे कि यार ये तो काफी अलग सी स्टोरी है कुछ। हु नोस, सम पीपल आर डिफिकल्ट टू प्लीज, यस वी एंड वी आर दोस पीपल अनफॉर्चूनेटली और फॉर्चूनेटली। और इस मूवी को देख के तो दिमाग हिल रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था इतना इविलनेस है कि बाहर कमरे से बाहर अगर मैं जाऊंगी मूवी देख के जाऊंगी तो मेरे दिमाग में इविलनेस ही रहेगा, जैसे जोकर मूवी थी ना वो इंग्लिश की, उसको देख के आप इतना मतलब इविलनेस आपको पूरे अंदर घुरे वो आप नहीं देख सकते। सोसाइटी में प्रॉब्लम्स भी आई थी उसके वजह से, पीपल वर गोइंग क्रेजी। एग्जैक्टली, और ऐसी न्यूज भी आई थी कि कितना गड़बड़ कर दी उस मूवी को देख के उसी टाइप के मास्क पहन के लोगों ने, तो ऐसी अगर मूवी कोई बनाएगा तो फिर किसी को क्यों पसंद आएगी, वो सबका टेस्ट अलग होता है, तो आपको समझना चाहिए बात को। तो चलो काफी हो गया, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।